गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ डीएवी अलग पब्लिक स्कूल। आई एम आरके सर, योर एसएसटी टीचर। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हुमायूं, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट बाबर। हुमायूं मीन्स लक्की, हुमायूं का मतलब है लक्की। सो हुमायूं कौन थे? बाबर का सबसे बड़े बेटे। सो एट द टाइम ऑफ डेथ बाबर टोल्ड हिम to distribute the kingdom among his brother. So बाबर मरने के समय में हुमायूं से बोले कि जो भी राज्य है वो आपस में बांटने निकले, और हुमायूं भी इसी तरह से अपना कर्तव्य निभाया, वो राज्य जितना था वो सभी अपने भाइयों में बांट दिया। नतीजा क्या हुआ? हुमायूं बहुत ही कमज़ोर पड़ गए। इसके बाद में हुमायूं गुजरात और मालवा में कॉन्क्वेयर किए, और गुजरात को और मालवा को जीत लिए। इसके और उस समय एक शक्तिशाली राजा थे शेरशाह सूरी, और उन्होंने उनके साथ में युद्ध हुआ चौसा में 1539 में, और उनसे उन्होंने हार गया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, जो कि ये इनका नाम शेर शाह का कि इसलिए पड़ गया, शेर शाह सूरी या अफगन है, सूरी मतलब ये अफगन, शेर शाह कैसा का पड़ गया शेर, तो शेर ये क्या कहते हैं शेर को, ही किल्ड टाइगर बाय अपने हाथों से मारते हैं बाघ को, इसलिए इनका नाम पड़ गया, टाइटल हो गया शेर। तो चौसा में इनको हरा दिया 1539 में, और कन्नौज का युद्ध में 1514 में हरा दिए। कौन हरा दिए? शेरशाह सूरी। किसको हराए? हुमायूं को हरा दिए। और इसके बाद में हुमायूं इंडिया छोड़ दिए, और वो भटकने शुरू कर दिए। कितने साल तक भटके? 15 साल तक भटके, वो 15 साल तक भटके। इसके बाद फिर शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया, लेकिन शेरशाह सूरी के मृत्यु होने के बाद में उनका जो सक्सेसर था उतना मजबूत नहीं थे लोग, और वो बहुत ही कमज़ोर थे लोग। तो 15 साल के बाद में फिर हुमायूं का मौका मिला, जब देखे कि शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया, और उनका जो भी उत्तर अधिकारी थे लोग, वो लोग उनका बेटे लोग थे लोग जो कमज़ोर थे लोग, तो हुमायूं ने क्या किया, पर्शिया में जाके वहाँ के उस समय वंशज जो थे वो कौन सा थे, देखो सफ़ाविद वंश, ये राजा से क्या जो पर्शिया ईरान में, तो वो राजा से उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने सेना अपना दिया। तो 1555 में आके फिर वो दिल्ली और आगरा का कैप्चर किए। फिर हुमायूं ने क्या किया, 15 साल बाद में दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया। किसके मदद से? द किंग ऑफ पर्शिया की मदद से। इसके बाद लेकिन वो बेसी दिन तक राज्य नहीं करने सके, और ये मर गए। ठीक है, कहाँ से? तो सीढ़ी से गिर गए, मर गए सीढ़ी में, सीढ़ी से उतर रहे थे तो वहाँ से गिर गए, पैर स्लिप हो गया और मर गए। तो इसलिए उनका कहा जाता है शेरशाह सूरी को कि सॉरी हुमायूं को कि हुमायूं का नाम तो लक्की है, लेकिन ज़िंदगी भर वो लुढ़कते रहे और मरे भी लुढ़क के। तो हुमायूं वॉज एबल सोल्जर, तो बहुत ही बढ़िया सोल्जर में तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन उनका जनरल वो जो थे वो लीडर, बढ़िया लीडर नहीं थे। उनका राजनीतिक विजडम जो था वो कम था, विजडम मतलब ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान बहुत कम था, एंड मिलिट्री फोरसाइट भी फौजी नज़र से भी कम था। ही सफर फ्रॉम इनडिसीशन, वो डिसीजन लेने के काबिल नहीं थे। इसके अब देखो नट्स एंड बोल्ट्स में शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा दिया। शेरशाह सूरी जब ये 15 साल बाहर में थे, तो उस समय मतलब हुमायूं जब एग्जाइल में थे जब, तो शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी का राज्य चला था, तो शेरशाह सूरी का राज्य बेसी दिन नहीं चला था, वो 5 साल करीब चला था।
तो शेरशाह सूरी उस समय फिर कौन से कहाँ का कैप्चर किए थे, मलवा, राजपूतना, मुल्तान, सिंध, पंजाब, और इतने ये 5 साल 1540 से 45 के बीच में ये बहुत ही जगह कैप्चर कर लिए। लेकिन उनका भी किस्मत ख़राब था, तो 1545 में एक गन ये मतलब कि एक्सप्लोशन हुआ, उनका एक्सप्लोशन में वो मारा गया। ही इज़ रिमेम्बर्स वन ऑफ द एवलेस्ट मेडिवल ऑफ इंडिया। हिज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉलोड बाई अकबर। तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो जो था वो शेरशाह सूरी से लिए थे, और शेरशाह सूरी क्या GT रोड बनवाए थे, और ये है शेरशाह सूरी का अकबर जो कि सासाराम में है, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, और ये कहाँ पे है, सासाराम में। दिस ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अकबर। थैंक यू।